अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया, सरकार की नीतियों के कारण खाद की कमी हुई है। कमलनाथ सरकार में खाद की किल्लत नहीं थी, सरकार बदलते ही खाद में कमी आई, ये कहना है कुणाल चौधरी का। पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तब सरकार जागती है। अब तक कालाबाजारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी उठाया गया है। कृषि मंत्री कैटवॉक करने में बिजी हैं, किसान लाइन में लगे हैं। एमपी में अंधेर नगरी चौपट रात चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब जगने का काम करती है। क्यों अभी तक इन्होंने कालाबाजारी को अलाउ कर रखा था और किसके कहने के ऊपर सरकार में कालाबाजारी हो रही थी, पहले तो इस बात का जवाब दे। क्या बात थी कि जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो सोसाइटियों में डीएपी और यूरिया मिला करता था और 80-20 के रेशियो से दिया करते थे, जिसमें 80% सरकारी सोसाइटियों से मिलता था। और जैसे ही खरीदे हुए जनादेश की बीजेपी की सरकार बनी और जिसे डबल इंजन की सरकार कहते थे, कहीं ना कहीं 45-55 के रेशियो को कर दिया और 45% प्राइवेट लोगों को देने की वो बात है। और जब से ही कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है, एक तरफ कृषि मंत्री कैटवॉक करने का काम करता है, कृषि मंत्री का काम क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल के रूप में वो काम करते हैं, कभी कहते हैं सोयाबीन मत बो, कभी खाद के ऊपर बात करने की बजाय कैटवॉक करने का काम करते हैं। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। मुझे लगता है